हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर साल कई फिल्में बनती है, लेकिन अपनी लाख मेहनत के बाद भी मेकर्स को फ्राइडे फीवर का डर जरूर सताता है, जब उनकी फिल्मों को सफल और असफल बनाने का फैसला ऑडियंस करती है। ऐसे में पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म उजड़ा चमन के मेकर्स और स्टार कास्ट को बहुत बड़ी निराशा मिली है। एक ही विषय पर बनी फिल्म उजड़ा चमन और बाला को लेकर पहले से ही तानातानी चल रही थी, लेकिन सनी सिंह, करिश्मा शर्मा और सौरभ शुक्ला जैसे सितारों से सजी फिल्म उजड़ा चमन वो जादू नहीं दिखा पाई जैसा ट्रेलर में देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था। और अब बारी है आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला के रिलीज होने की, और लोगों को ये इंतजार है कि ये फिल्म अब कितना कमाल दिखा पाएगी। ट्रेड विशेषज्ञों की माने तो बाला का पहले दिन का बिजनेस 9 से 10 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जो कि उजड़ा चमन के बिजनेस से तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। जाहिर है कि दोनों फिल्मों के बीच तगड़ी फाइट है, लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिला है कि एक ही तरह की कई फिल्में एक साथ रिलीज किए जाने के बाद उनमें से किसी एक ने बॉक्स ऑफिस पर बाकियों से बेहतर कमाई की है, और लगातार हिट फिल्में देने के बाद आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला से भी व्यूवर्स को बहुत उम्मीदें हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।